नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार अर्जुन अपना भेष बदलकर प्रीता को खाना खिलाते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अर्जुन इस समय उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और उसका मानना यह है कि मेरी वाइफ है प्रीता तो हक मेरा बनता है। हालांकि इन लोगों ने जो मेरे साथ में किया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं प्रीता को अपने हाथ से ही खाना देने जाऊंगा। और वो इसीलिए उसने वेटर की ड्रेस पहन ली है और अपना पूरे का पूरा भेष बदल लिया है ताकि किसी पे उसकी पहचान ना हो पाए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर प्रीता भी ये सोचती हुई नज़र आ रही है कि अगर उस समय जब मैं गिरी थी ऊपर से, अगर उस समय अर्जुन नहीं बचाते तो वाकई में क्या से क्या हो जाता। वाकई में दोस्तों अर्जुन की इस चीज़ के लिए, जो कि ऋषभ ने भी अर्जुन को थैंक यू बोला, लेकिन बदले में अर्जुन ने जो कि उल्टा ऋषभ को ही खरी खोटी सुनाई कि तुम प्रीता का ध्यान नहीं रख सकते, तुम किस लायक हो, तुम हस्बैंड कहलाने के लायक ही नहीं हो। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय प्रीता लगातार जो कि उसी के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन शांत रहने वाले इंसान में से नहीं है। हालांकि वो शांत दिखता है, लेकिन वो अंदर से, उसके अंदर जो इस समय तूफान आया हुआ है उसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से वो अपने चीज़ को अंजाम दे रहा है, लगातार प्रीता के करीब नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले तो उसने प्रीता का व्रत तोड़वाया, उसके बाद में खाने का जो रसम होती है वो हस्बैंड के थ्रू होती है कि हस्बैंड खिलाता है, और वो ही रसम अब अर्जुन करता हुआ नज़र आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अर्जुन जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हमेशा प्रीता का जितना हो सकता है इतना ध्यान दिया है, लेकिन अर्जुन के माइंड में एक चीज़ सेट है। उसे ये लग रहा है कि प्रीता और ऋषभ ने तो मुझे मिलकर मारने की कोशिश की और उल्टा मैं ऋषभ और प्रीता को क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि वो अपने अंदर से ही ये सवाल करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में ज़बरदस्त ट्विस्ट, ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है। साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।